कोंडा गांव में घटिया सड़क निर्माण के चलते हाल ही में बनाई गई सड़क उखड़ने लगी है, जिसको लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोध जताते हुए स्तरहीन सड़क निर्माण की जांच की मांग की है। इसके साथ ही कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं ने धसी हुई सड़कों पर पौधारोपण किया। कोंडा गांव से मर्दापाल होते हुए कोरमेल तक लोक निर्माण विभाग ने सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया है। ठेकेदार द्वारा लगभग 54 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क निर्माण का कार्य पूरा हुआ भी नहीं है कि निर्माणाधीन सड़क में जगह जगह गड्ढे नजर आने लगे हैं। शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए ग्रामीणों के साथ CPI कोंडा गांव के कार्यकर्ताओं ने ग्राम गोलबंड के समीप पुलिया के पास धसी सड़क पर बने गड्ढों में पौधारोपण किया। ये जो कोंडा गांव से मर्दापाल से जो सड़क निर्माण किया गया है, यह बहुत ही घटिया किस्म का निर्माण है। और घटिया किस्म का निर्माण होने से जो है, सड़क पूरा होने से पहले ही जगह जगह उखड़ गया है। न इस सड़क पे सही ढंग से रोलर चलाया गया है, न ही सही मटेरियल का उपयोग किया गया है। डी की है जो यहाँ पर एक साल नहीं हुई है, जो जगह जगह उखड़ना चालू हो गई है। और जहाँ हम शासन प्रशासन से यह अवगत करवाना चाह रहे हैं कि जहाँ आज हम पौधारोपण किए हैं, पौधारोपण इसलिए किए हैं ताकि उसके काम तक पहुँच पाए। और यहाँ पर सही ढंग से रोलर नहीं चलाया गया है, क्योंकि यहाँ पर रोड एक साल भी नहीं हो गया है और उखड़ रहा है ना जल्दी, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर मिट्टी वगैरह ज़्यादा डाले होंगे, ग्रामर कम हो गया होगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।